चंदन सतगुरु तेरा ही आश्रय। तुम कर आवो मेरे मीत, तुम कर आवो मेरे मीत, तुमरे दोखी हर अपनी वारे, तुमरे दोखी हर अपनी वारे, अब दा पाई बतीत। तुम कर आवो मेरे मीत, कर आवो मेरे मीत। हाँ हाँ तो हाँ आया नहीं तो दोस्त समझा। जिन तुम पे जे तिने बुलाए सुख सहज से कर आओ, जिन तुम पे जे तिने बुलाए सुख सहज से कर आओ, आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन ने चल राज कमाओ, ने चल राज कमाओ। तुम कर आओ मेरे मीत, तुम कर आओ मेरे मीत। परगट की ने प्रभ करने हारे, नासन पाजन थाके, परगट की ने प्रभ करने हारे, नासन पाजन थाके, कर मंगल बाजे नित बाजे, अपने खसम निवाजे, अपने खसम निवाजे। तुम कर आवो मेरे मीत, तुम कर आवो मेरे मीत। अस्थिर रहो डोलो मत कब हूँ गुर के बचन आधार, अस्थिर रहो डोलो मत कब हूँ गुर के बचन आधार, जय जयकार सकल पू मंडल मुखी उजल दरबार, मुखी उजल दरबार। तुम कर आवो मेरे मीत, तुम कर आवो मेरे मीत। जिनके जिए तिने ही पेरे आपे पया सहाई, जिनके जिए तिने ही पेरे आपे पया सहाई, अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई, नानक सच बड़े आई। तुम कर आवो मेरे मीत, तुम कर आवो मेरे मीत, तुमरे दोखी हर अपनी वारे, तुमरे दोखी हर अपनी वारे, अब दा पाई बतीत। तुम कर आवो मेरे मीत, तुम कर आवो मेरे मीत।
सतगुरु तेरा यार। प्रीतम जान ले ओ मन माही, प्रीतम जान ले ओ मन माही, प्रीतम जान ले ओ मन माही, अपने सुख सो ही जग फांदो को बहु को नाही, अपने सुख सो ही जग फांदो को कहू को नाही, को कहू को नाही, को कहू को नाही। प्रीतम जान ले ओ मन माही, प्रीतम जान ले ओ मन माही, प्रीतम जान ले ओ मन माही। सुख में आन बहुत मिले बैठत रहतो जिसके रे, सुख में आन बहुत मिले बैठत रहतो जिसके रे, विपत पारी सब ही संग छाड़त पारी सब ही संग छाड़त को नावत नेरे, को नावत नेरे, को नावत नेरे। प्रीतम जान ले ओ मन माही, प्रीतम जान ले ओ मन माही, अपने सुख सो ही जग फांदो को कहु को नाही, को कहु को नाही, को कहु को नाही। प्रीतम जान ले ओ मन माही, घर किनार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी, घर किनार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी ये काया प्रेत प्रेत कर भागी, प्रेत प्रेत कर भागी, प्रेत प्रेत कर भागी। प्रीतम जान
एविद को वे हार पाण्यो है जासो ने लगायो एविद को वे हार पाण्यो है जासो ने लगायो अंत बारी नानक बिन हार जी प्रीतम जान ले ओ मन माही प्रीतम जान ले ओ मन माही अपने सुख सोही जग पांदो को कहू को नाही अपने सुख सोही जग पांदो को कहू को नाही प्रीतम जान ले ओ मन माही प्रीतम जान ले ओ मन माही हां स्टेशन मास्टर जाग देने थे स्टेशन मास्टर कितने ने बस पता कर सुन तो सही हाँ पैदल आके सुनो ऊपर बह जान जाए बस दोनों कट्ठे ठगियां आ सुनो थोड़ बहुत पढ़ हाँ सुन लो भाई सच्चे पासे दे वचन ने हाँ हाय हाँ अगर दुनिया में साड़ा कोई दुश्मन है तो मन ना कोई कौम दुश्मन है ना कोई मजहब ना कोई होर ताकत मन ही सानू अंदर नहीं बढ़न देता जड़ी गल कदी ना याद आवे वो लिया खड़ी करता है भावें तोपा अगे खलौना पवे मगर मन भजन नहीं करन देता काले नू अंदर नहीं बढ़न देता लेकिन अफसोस है कि असी मन का कहा मनते हाँ गुरु का कहा नहीं मनते जड़ा सानू दुनिया थी करदा है ओदा क्या नहीं मनदे अगर मन झूठ भी कह दे ता भी उसका क्या मनदे हाँ दादू कहत पुकारी को मन नहीं हमारी मसानी कहते देखो भाई दादू सन है कहते साडे कोई नहीं मनदा साडे मस्ताने गरीब की कौन मनदा है हाँ अगे हाँ महात्माओं ने इनू मुश्किल नाल वस विच किता है थोड़े किते बस नहीं आउंदा किसी फकीर दा साल भर गर्म पानी देना ओ साल पर मन न लगे साल पर गर्म पानी देता हूं हां लेकिन असी थोड़ी देर बैठ के उदास हो जांदे भजन छड़ के उठ बैंदे हां इक सत्संगी हजूर जब तक दया ना करो मन ने लगना ही नहीं महाराज जी मैं ता कहंदा हां कि तुसी भजन करो तुसी आप तवज्जा नहीं देंदे जेड़ा महात्मा साथों कोटी नहीं लेंदा कि उजाड़ा पहाड़ा विच नाल है मौत दे वक्त सामने आ खड़ा है इस थी वड्डी दया और की हो सकती है अगर ऐसी दाते दे कर ना पहुंच दे ना पहुंचे तो मिलेगा कि कुछ नहीं मैं कहता हूं कि करके देखो अगर अंदर ना आवे तो मैनू आ फड़ो मैं जिम्मेवार हाँ
जब तुसी अंदर जाओ सतगुरु नूं प्रत्यक्ष कर लो, नौ दरवाजे छड़ के जीवंदे जी मरो। संत महात्मा तो दात देने वास्ते आते हैं, मगर साढ़े खोटे पाग असी नहीं लेंदे। एक सत्संगी महाराज जी, जो कुछ करना है तुसा ही करना है। महाराज जी, तुसी अपने ते बोझ नहीं लेंदे, गुरु ते सुट देंदे हो, ये ठीक नहीं। मैं कहता हाँ कि वो समझाते ने अंदर चल, ये अंदर ना बड़े, एदा अपना कसूर है। मन बेईमान है, मन छड़ा दुश्मन है, अंदर नहीं बढ़न देंदा। जेड़ा दुश्मन नाल प्यार करे वो सुखी कदम हो सकता है। एक सत्संगी, हजूर मन ने अगे पत्थर ला देता है। महाराज जी, हाँ मगर तुसा ही इसनू परां सुटना है। कोई सत्संगी, नहीं जी वो तुसा सुटना है। महाराज जी, बड़ा अफसोस है, जेकर लड़का उस्ताद नू कहे कि मेरी थां तू पढ़, ता क्या वो पास हो जाएगा। कोई सत्संगी, तू रब है, तू वाहे गुरु है, तू अकाल पुरख है, गर्ज के तू सब कुछ है। महाराज जी, हुण मन झूठे पाने ढूंढता है, अपने सिर ते बोझ नहीं लेंदा। कोई सत्संगी, सच्चे पातशाह सब कुछ तुसा करना है। महाराज जी, इन्हां गल्लां नाल कुछ नहीं बनता, करे करावे आपे आप। राम सिंह डोगरा, हजूर बाणी कहती है करे करावे आपे आप। महाराज जी, जब तुसी अंदर जाओ तो ओही प्रेमी सच्चे पातशाह, असी कोशिश तो बड़ी करते हाँ महाराज जी, कोशिश ही तो नहीं करते, जेकर कोशिश करिए ता वो शब्द स्वरूपी राम हुण अंदर ले जाण नूं तैयार है। ओही प्रेमी, हजूर बाणी विच लिखा है ये करने में आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। महाराज जी, वो करा तां रहा है, और की कर रहा है। जेकर तालब इलम नूं कहिए कि स्कूल ना जा, क्या वो आपे पढ़ जाएगा? कदी नहीं। सतगुर दे चरणा तक पहुंचना एदा कम है, अपनी मेहनत है। गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी किस गल ते जोर दे रही है। गुरु अमरदास जी नूं 70 साल दी उम्र विच इधर आउण दा मौका मिलिया, चुनाचे वो किली नाल केस बन के सारी सारी रात अभ्यास करते रहे। ओही प्रेमी, हजूर उन्होंने तां दुनिया तारनी सी, असां दुनिया तां नहीं तारनी। महाराज जी, मन देखो, मन दे ठीक है, मगर कमाई जरूरी है, बिना कमाई अंदर नहीं जा सकता। जेड़ा कमाई करके सचखंड पहुंच गया वही मुक्त हो गया, वही संत है। वही प्रेमी, हजूर भी तो वही हैं। महाराज जी, हूँ ये झूठा विश्वास है, साढ़े मन का धोखा है। वही प्रेमी, सच्चे पातशाह बाणी विच कहा है बाहर भीतर एक है जान। महाराज जी, हाँ ठीक है, जेकर अंदर बाहर एक नहीं होया तो फिर अन्ना आया तो अन्ना चला गया। तां ते मैं कहता हाँ कि सत्संग विच ज़्यादा छेड़ ना करो। सो जब सतगुर कहता है कि 2.5 घंटे रोज़ बैठो, मन नूं खड़ा करो, शरीर नूं सुन करो, कोई करता है जेकर करे तो कम ना बन जाए, बाकी रही सत्संग की ड्यूटी, वो अपना फर्ज अदा कर रहा है, वो गाफल नहीं। उस्ताद तालब इलम नूं पढ़ाता रहा है, होर की कह रहे। क्या अंदर बाहर एक? एक सत्संगी, हजूर क्या अंदर और बाहर एक सा होता है? महाराज जी, स्त्री पिता के घर लड़की होती है, ससुराल में बहू। इस शरीर को तो सिख ने भी छोड़ देना है और गुरु ने भी, जिसने सदा के लिए रहना है वो अंदर है। कन्या का पिता के घर और फर्ज है, और ससुराल में और। आम व खास कायदा। आम खास कायदा सुनो भाई, जिहड़ा कहंदे आम खास। हाँ, जिहड़ा कायदा इबादत दा दुनिया विच सी ओह समझा दिता, मगर फुकरा का अख्तियार है कि अगर वह अपनी कमाई जां तवज्जो दे के किसी नूं गुरमुख बना दे। पर एक खास है, आम नहीं। दुनिया विच कायदा है कि अपना अपना रोजगार, अपनी अपनी नौकरी,
अपनी अपनी पूंजी हर एक अपने पास रखता है, किसी नूं नहीं देंदा। अगर इतफाक नाल शाहूकार किसी नूं मदद दे देवे तां उह शाहूकार हो जांदा है। बाबा अटल ने मुर्दा जिंदा किया, मशहूर वाक्य है, मगर ये कदी कदी और किसी किसी फकीर की जिंदगी विच एक अदा इतफाक होया है कि उन्हें अपनी तवज्जो नाल जहला नूं आलम बना दिता। हजरत अब्दुल कादर जलानी के पास कुछ आदमी आए तो एक कुतब उन्होंने भेजन लई पुछया। उन्होंने कहा कल तुहाडे नाल भेज देंगे। तालब कमाई वाले सन महफिल विच नज़र मारी, कोई काबल नज़र ना आया। उन्होंने सोचा शायद बाहरों भेज देंगे। रात नूं चोर दा घोड़े चुराउण आउणा, घोड़ा चुराउण आया उन्हां दा। हाँ, वो मूरे खोले पिछे भजे, पिछे खोले मूरे भजे। हाँ, अगाड़ी और पछाड़ी खोलता रहा, चोरों कुतब बन गया। शेख फरीद दा अपने तालम नूं अगले ही भेजना। हाँ, वो तो बीबी आशिक पंजरी अखे जे अगले आके तो मिली ना, वो घर मिली तो वह कहनी मैनू वो इधर उधर करती सी, कहनी फिर मैनू अख दे दे। उन्हें अख देती है, देखो भाई वो पट्टी बन के आ गया। हाँ, अगे कंजरी आशिक थी, उसके पास गया। कंजरी ने उसकी आँख तालब को दे दी, पट्टी बांधी, उसको दुरुस्त करना। उधर फिर आए थे, वो उन्होंने दुरुस्त करती। हाँ, देख भाई उन्हें आजमाइश की थी भी की करता, और था कि अगे नहीं मिली है। हाँ, ये तो ऐसा हो जाता, आम नहीं होता, दुनिया में बना छड़े एक गल फड़ लेंगे बस हो साधु। हाँ, मोटे ने सुना। हाँ जी, मन भजन बैठना था क्या मत समझदा है। गंदे कर्म जब मालिक रोटी देवे, दूजे एक ही कमकार कोई ना होवे, फिर भजन ना करे। मन तो यह दुश्मन है, इस नूं वेला रखोगे ये तुहाड़ी गर्दन तोड़ेगा। जां भजन करो, जां पोथी पढ़ो, जां सेवा करो, क्या एक सां विरथा ना जावे, जां किसे नूं नेक उपदेश देओ। जेकर कुछ लेना है तां मन नूं कदे वेला ना बैठन देओ। जे चौरासी भी जाना है तां मन नूं जो मर्जी करन देओ। गुरु ने नाम दिता, असी कमाई करके पर्दा खोल लिया और जिउंदे जी सचखंड पहुँच गए। ये साधु का धर्म है, ये जड़े शिकायतां करते ने कि सानू काम सताउंदा है। जद मन नूं वेला छड़दे हो तो मन विच इहो जिहे गंदे ख्याल पैदा होंदे ने। तुहाडे नालों तां रस्ते चंगे ने जिहड़े 20-30 साल बाहर रहिंदे ने, रुपया कमा के लियांदे ने, घर बैठ के आराम नाल खांदे ने, जायदादां बणाउंदे ने ते भजन करदे ने। प्राय खा के तां ही गए तद भजन मन सकदा। अस्वे शुमार ने सुना, आज की लकीर छड़ दिया तो पढ़ देता भी कोई नहीं। हाँ, इस बार बाहर जाया करते थे ना उस वे। हाँ, इसके पहले मैं सत्संग शुरू करा, मैं चाहता हाँ कि मेरे पिछों जिन्होंने जाना है वो तो चले जाएंगे, बाकी थोड़ी जी संगत रह जाएगी, उन्हों का ख्याल रखा जाए, नहीं तो वह पिछों कुल खेल देने। भाई गोकल सिंह वाल इशारा करके, क्यों गोकल सिंह तू इंतजाम करेगा। गोकल सिंह, नहीं हजूर, अलबत्ता बाबू गुलाब सिंह जी होरी कर लेंगे। हाँ, तो पीछे रजिस्टर रखो और हाजिरी दिखाओ। गोकल सिंह मखण दसदा सी खन कितने सू कहता अज तक आखे सतगुर बर्फी मंगता
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਸ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਾਬੂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰਨ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਖੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਗੁਫਾਲੀਆਂ, ਸਭ ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਕਿੱਥੇ। ਬਸ ਬਈ, ਹਾਂ ਬਸ ਬਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਹਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਚੌਹੇ ਵਚਨ ਮਸਾਂ ਜੀ ਲਿਖਾਏ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਕਰਨ ਦਾ ਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਮ ਵੀ ਹੈ श्री मनु महाराज कहते हैं, किया हुआ कुकर्म या धर्म कभी निष्फल नहीं होगा। चाहे जंगल में भाग जाए, पर्वत में छुप जाए, आकाश में उड़ जाए, चाहे पाताल में घुस जाए, कहीं भी पाप में कर्मों से छुटकारा नहीं होगा। बस ये बदला देना पैदा, काल काल ने कानून ऐसे बनाया नहीं, ये तो उस नजारे का ही है। बस ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਫ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਹਮ ਮੇਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਦਾ
ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਮੋਜਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾ ਖਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਅਜੀਜ਼ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪਲੇਗ ਸੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਾ ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਆਪਕੋ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਘਰ ਕਿਸੀ ਬਾਤ ਕੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗੀਓ ਕੋ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਰਬਸ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਸਮਝੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੋ ਬਖਸ਼ੇ ਉਸਕੀ ਦਇਆ ਸਮਝ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਉਸਕੀ ਦਇਆ ਸਮਝੇ ਉਸੀ ਮੇਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇ, ਔਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤੋ ਗਿਰਜਾ ਜਾਰੀ ਔਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਬੀਬੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੋ ਉਸਕੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂ 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 ਜੀ, ਔਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਖਤਮ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੜਕਾ ਉਹੀ ਬਾਪ ਉਹੀ ਬਸ। ਹਾਂ, ਬਸ ਆਹ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਪੰਜ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਚਾਰ ਬਣੇ ਖੇੜੇ ਨੇ ਕੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੁੱਫੜਾ ਉਹ। ਹਾਂ, ਕਈ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਮਨ ਕੀ ਹਾਲਤ। ਹਾਂ, ਲਿਖ ਤੁਮ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਮਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਜੋ ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਾਲ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਭਜਨ ਸੇ ਗਫਲਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਤੋਂ ਗਫਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਮਨ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਲਸ ਅਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਲਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
जिस करके मन टिला पै जाता है अते भजन छड बैंदा है। 1915 चिट्ठियां साड़ी पैदाइश तो पहला नहीं है। हाँ जी कर चिट्ठियां पईयां सी तां से उससे लिख लिया। हाँ जी याद रखो मन बिठाओ जरूर चाहे लगे चाहे ना लगे आपे हौले हौले सीधा हो जाता ये लगाने वास्ते मुत्तां लगदियां ना। ये चंचल बच्चे इस तरह हैं चंचल बच्चे नूं काबू करना सिखा ला बहुत औखा कम है। ताए दा लड़का सी उन्हां दा इक लड़का सी वो बीमार भी हो गए से लत्तां भी खराब से कुछ पढ़ता ही नहीं सी कदे इधर लुके रहिंदा इधर मैं पालन गया तो स्कूल तो इधर सी वो जिथे सत्संग होया सी ना वो दरवाजा सी दरवाजे च नाला सी ना उहदे विच फड़िया मैं बोल जाके फिर दूसरा दा खड़काया तो पढ़ गया पढ़ के फिर किसे चंगी पोस्ट ते भी लग गया सी फिर चलो छड़ गया। हाँ जी हाँ जी इन्हें काबू करना बड़ा औखा मन तौबा है लगे रहन बिठावे जरूर बस इधर इलाज यही है। हाँ बिठावे जरूर कोशिश करे बस उल्ट पुलट जब रामी टेढ़ा सीधा होए या का फल नहीं जाएगा कैसे लोग होए मेरा सब कहें जैसा भी तैसा भी बढ़ते अपना बल नहीं हारे अपनी तरफ कोशिश करो लड़ो ना। हाँ जी लड़ाई होना मंजूर है लड़ाई का रोजाना धंधा हो हाँ जी बुढ़े नूं उठा भाई मन सुनदे ने हाँ जी संतो मूल भेद कछु न्यारा रे सिर फिर नंगे फिरना इधर ते इधर बस बने की हाँ कहाँ भयो कौन
की बगाड़े बोल भाई हाँ जी तो माना इनू खराब किया सर्दी गर्मी सही बांबी कुट्टी सब तो अंदर बैठा मारना तो उन्हें सी है तो इन्ना कारोबार छेड़ना ने किसे देनी ये तो व्यास थे अंदर रहे लैने देने मकाने ने सब कुछ करना है गरीबी तां अमीरी तां बस रोज़ चलाए जिम्मे भी है हाँ जी जप तप संजम बरत किया तरम आ जाओ इत जगह पी है हाँ हाँ जी योगी याग जप तप संजम वरत किया तरा में विस्तार
परिहार ब्रह्मा हो जाते मारे घर दार जागे अवतारा घर दार जागे अवतारा पोती बाला में क्या ढूंढे पोती वेद नहीं पावे बिन गुरु भक्ति वेद नहीं पावे भर में मरे कोई मिलता नहीं कि मेहनत की थी नंगे फिरे होर हो की बने की आया हाँ जी तन दुख दिता तन ते कम लेना सी मन दुश्मन मारना सप से बंबी नु कुटी जाते ने बंबी कुटी जाते तन मारन मन नु सी हाँ अगर इन्हें बाहरली भगती भगने देखे जाए यह सब तो आसान रास्ता ये ठीक है मन दुश्मन ये करनी मिलना उत्थे तो करूंगा पुट्ठा भी लटक लू इतने छेती करनी मिलना हाँ हाँ जी बचपन बीता खेल कूद में अकड़ में गई जवानी आया बुढ़ापा सिर पर तेरे आ गई समझ जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग जब बुझ गई क्षमा तो
महफिल में रंगा जीवन खत्म हुआ तो मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा तब ठीक चलना सीखा मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर जब बूढ़े तन के हर पुरजे पे जंग किरने जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग जीवन खत्म हुआ ठीक चलना सीखा मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हरे जब बूढ़े तन के हरे पुरजे पे जंग जब बूढ़े तन के हरे पुरजे पे जंग जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग जब बुझ गई क्षमा गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर मुसाफिर घर से चला मुसाफिर आखिर वो लौट करके वापस तेरंगा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंगा जीवन खत्म हुआ के वक्त बिना सिमरन का वक्त निकला न निकला सिमरन का वक्त निकला फुर्सत के वक्त बिना सिमरन का वक्त निकला न निकला सिमरन का वक्त निकला मेरे कहने ने वक्त नहीं मिलता है कम अच्छा देखो भाई आम शिकायत है गल्ला मारने अखबार पढ़ने होर अखबार देखो भी कितना ही बिजी हो गए इन फिर भी टाइम मिलता है चलो टट्टी बैठता उस वे सही किसी में लगे रहे किमें भी है टूटिया फूटिया हाँ है इस दिन एक सी मुसलमान की ने लिखा शासन गद्दा कि मैं तो कितने वर्गा सी जिस हंग दे अल्लाह लद्दा हाँ बोलो टट्टी फिरते फिरते पढ़ता खुल गया था ख्याल उधर से हाँ जी
फुर्सत के वक्त बिना सिमरन का वक्त निकला ना निकला सिमरन का वक्त निकला फुर्सत के वक्त बिना सिमरन का वक्त निकला ना निकला सिमरन का वक्त निकला उस वक्त वक्त निकला उस वक्त वक्त निकला जब वक्त तंग जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग जब बुझ गई क्षमा हथियार फेंक डाले हथियार फेंक डाले आयुन नथा सिंह जबो हथियार फेंक डाले डाले हथियार फेंक डाले जमराज फौज लेकर करने को जंगा जमराज फौज लेकर करने को जाऊंगा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग जीवन खत्म हुआ धन धन सतगुरु तेरे ही आस सिमरण मार्ग सहज का सतगुर दिया बताए सिमरण मार्ग सहज का सतगुर दिया बताए सांस सांस सिमरण करो एक दिन गुरु मिल जाए सांस सांस सहज मतलब आसान भी है सहज अवस्था भी है तो सतगुरु सहज अवस्था च है जो नाम देने वाला है आनंद बेबी माया सतगुरु पाया सहज स्थिति सहज अवस्था च है हाँ आसान तो आसान रास्ता है हाँ जी हाँ जी सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए सांस सांस सिमरण करो एक दिन गुरु मिल जा Thank you.
माथे बापू बाका मारे काहे तारे उपाय सतगुरु ने तो यूं कहा सिमरण करो बनाए कथे बात बात मरे काहे करे उपाय सतगुरु ने तो यूं कहा सिमरण करो बनाए कबीर सिमरण सार है और सकल जान जाल आद अंत मद सिमरना बाकी है परम जान सिमरन दिया तो सारे नहीं है मगर सारा सिमरन उल्टा है जिमीदार खेती तो सिमरन करता रहता सारा दिन ताई चलता कम किड़ा बीज चंगा है किड़ा माड़ा है खेत में पानी लाना है बोना है ये करता है ताई चलता कम दुकानदार अपने दुकानदार किड़ा सौदा लेना किड़ा मुखिया किड़ा है ताई कम चलता है देख लो भाई आता है पर मालिक का सिमरन कोई विरला है ये भी इस तरह चल रहा है सत्संग जाना ऐ करना वो करना करते करते भी बन चल रहा है हाँ हाँ जी हाँ जी सिमरन करता हो तो रूप बन जाता बस हाँ निज सुख आता राम में दूजा दुख अपार निज सुख आता राम में दूजा दुख अपार जब तक आत्मा राम च नहीं मिलती जब तक शांति नहीं इस वास्ते की कर कोई वक्त हो चाहे मन न मन साहब बचे बचे बच निकले तां सिमरन सोच रहा हूं कर्म कर दो तभी उधर ख्याल रहे है हाँ हाँ जी मन साहब कर कबीर
कौम ते बैठा है, जद रक्त वेल होया तो सुमन करे होर पासे जाऊंगा और गपौड़े मारू। हाँ हाँ जी कम करे सिमन करता है तो कम अपने आप ही चलता है, फिर अपने आप ही चलता है। हाँ आपे कम करी जाता है। हाँ जी हाँ जी जिन्हें सुख ने सब माया पिला मालक पिला जेते सुख सार के सब माया जा तामे दो कणक दरे एक दरे बिकनार। हाँ दुख में सिमरान साब करे सुख में कुटती होंगे इन्हों भी कुट पाया, मेहनत ना पाया,
नींद आती सी किली ना केस बन के खड़े रहे गुरु अमरदास मसान जी चक्रे लाते रहते पहला और बड़ी पुरानी भगती सी समझ तो सारा ना देखो ये सच्चा सौदा शुरू होने से पहला एक प्रेमी तो लिखा है मसान जी तो पढ़े ही नहीं सी मोटा मोटा सुख के माथे पहला लिखा गए सी जद सचा तो शुरू भी नहीं होया सच पातशाह चोले चे एक प्रेमी ते लिखाई सी गल्ला किताब बनी हुई ओदी भी हाँ आख्या बाबा सतगुर जिमल साहब बोला कि बड़ा कामल भारी बड़ी उम्र का स्वरूप धारांगा बाबा जनरल सिंह कहते बड़ा भारी उम्र का स्वरूप धारांगे दोबारा हाँ और फिर ऐसी ताकत रखांगा कि सारी दुनिया को तार के ले चलांगा हाँ और मेरा नाम साउंड से रखांगा हाँ और खूब जग का अंधेरा निकालांगा हाँ और मस्ताना एक अच्छे सफेद चोले में था मस्ताना कच्चे चोले सी हाँ और जेमल साहब से बोला अच्छी अच्छी बातें किया हाँ जेमल साहब बोले कि तुम एक खास भक्तों के सिरताज थे हाँ जो कि आकर तुमने पिछले जन्म के हाल लिख देने हाँ हाँ जो कि आकर तुमने हमसे बात किया अब तुमको बलूचिस्तान में रूहों को नाम दिलाकर तारना पड़ेगा बलूचिस्तान जाना पड़ेगा उसे तारना पड़ेगा हाँ बलूचिस्तान में बहुत रूह तुम्हारी इंतजारी में है सदगुरु साउंड श्याम सब रूहों को उड़ाकर ले जाएगा तुमको बलूचिस्तान का उपकार करने के बाद फिर सरसा में उपकार करना पड़ेगा बोल पहला लिखा गए ने कई कई जन्म की भगती होंगी तो आँदी चीज में नहीं आँदी जल्दी का कम नहीं है जिन्होंने पहला बड़ी बनाई आदि ने थोड़े कम हों फिर भी इन्नी मेहनत होंगी है सच्चे पातशाह ने भी कहा फकीर ने कि चीज़ तो मिलेगी पर कहते कितों मिलेगी तो मंगते सी कहने लगे वो तुसी नहीं पाल सकते वो आप ही पालूगा आए हाँ बाबा जी ने आप ही पाले से उत्थे गए से ये हुंदी आई है हाँ जी खास खास रूहें आ सकते होर नहीं कई कई जन्म की भगती होंगी ता इस लाइन च आ सकता नहीं आ ही नहीं सकता आए हाँ हाँ देख लो बलूचिस्तान से रूह लिया जेड़े छाड़ वो छांटी नहीं होंगी सी सच पातशाह जी दे नाम होर कि छांटी करते बोल छांट छांट के देंदे सिर एवं है ही नहीं कह लेना सिखा नाम हाँ वो लफ्ज तो रेखी दस दिता लफ्ज तो की है बहुत औखा मार छोटी किताब नहीं गई साखियां की किधर गया कोई नहीं तो वो किधर गया सुखदेव उपरों ले आए हाँ हाँ जी हाँ बोल भाई हाँ जी हाँ भी है ता भी है
बस वो धंधा है करे सही भाई। हाँ ख्याल हम उधर जाता है बोलो भाई कहते ना अंत में तो सोई गाता जो सिमरन उधर ख्याल है तो उत्थे जाऊगा। हाँ हाँ नहीं है यार साधना करता जप तप वगैरह करता उस सिमरन ते बगैर तो वो कुछ नहीं बनता उथे कुछ ना कुछ तो करना पैंदा। हां जप तप सब कुछ हो जांदा। हां जप तप संजम साधना सब कुछ सिमरन माहे कबीर जाने भगत जम कबीर जाने करके इच्छा प्रवचन मेरा आ हो जाए मंगे ना कुछ निष्काम सिमरन करे वो चीजें मिल जाएंगी फिर सिमर गया। हाँ हाँ जी क्या मंग कुछ थिर ना रहाए देख ना चले सक जाए कि चीज ना जाओ। हाँ हाँ जी कम कर दे नामा गैत लोचना मुख सिरा समाल हाथ पाँव कर काम सब चीत रंजन नाल उन्होंने मिसाल दिंदे ने। हाँ सिमरण की सुधयू डोले हाले डोले
ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਘੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਘੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਬਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੀਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਹਾਏ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, चारा चरत कहे कबीर चारा चरत बिसरत कब ना। ताजा गई गाय सोई भी है, उन्हें बाहर छड़ दिया, चरवाहा ले जाता है, और मुड़ मुड़ के बाहर पिछे नू आंदी है। देख लो भाई, उत्थे चारा चरते भी नठन नू तैयार रहिंदी है, जे शाम नू आई चट उत्थे। देख लो इस तरह यह है, चाहे कम कि नहीं है लगे रहे। हाँ, जिमें वह चट आ जाती है, फिर जे उस वे सिमरन करे जिस तरह याद रहे तो रूह भी चट जाती है उपर न। हाँ हाँ जी, कहे कबीर चारा चरत विसरत कबहू ना। साहब की कमी तो कुछ फर्क पै जाता, बाकी ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਭ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਤੋਲਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ, ਤੋਲਣ ਤੋਲਣ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦ ਤੇਰਵਾਂ ਫਲ ਲਾਇਆ ਬਸ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹੈ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੈਂ ਗਰੀਬ ਕਿਆ, ਨੇਸ਼ਾਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰਬ ਇਹਦਾ ਮਾਇਆ ਗਿਣਦਾ ਸੀ, ਗਿਣਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਈ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਲਿਖਣੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਚੁੰਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਲ 'ਤੇ ਲਾ ਤੀ, ਆਹ ਰੋਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ। ਜਦ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਣਦੀ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬੁੱਲ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਹੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲਏ, ਆਹ ਐਡਾ ਲਾਲਚ। ਹਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਏ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿਮਰਾਣ ਕੀ ਸੁਧ ਵਿਸਰੇ ਨਹੀਂ ਪਲ ਪਲ
टूटता फिर जोड़ लेंदा हाँ जी कहे कबीर छूटे नहीं चले और की ओर सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बता बाकी राखी है हाँ कड़े करम एक बार दा जिक्र है बाबा जी महाराज अंबाले तशरीफ ले गए उत्थे मोतीराम टेलर मास्टर एक बड़े प्रेमी सत्संगी सन उन्होंने बाबा जी दे अगे सत्संग लई अर्ज कीती बाबा जी ने गुरु ग्रंथ साहब दा शब्द सत्संग विच लिया चूंकि उपदेश बड़ा उच्चा है इसलिए जब शब्द की व्याख्या की लोग बहुत मोहित हो गए उत्थे हुकम सिंह नाम का एक अकाउंटेंट रहिंदा सी उसने मोती राम अगे नाम लैण की ख्वाहिश जाहिर की मोती राम ने सोचा कि एक बड़ा साहिब हैसियत होशियार आदमी है अगर लग जाए तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी बाबा जी ने अगे अर्ज की और उस आदमी को पेश किया बाबा जी ने फरमाया मोती राम इसनू नाम ना दिलवा इस दे बड़े जबरदस्त क्रम ने मोती राम ने कहा बाबा जी अगर आप दे पास आके भी कर्म रह गए तो फिर होर केड़ी जगह दुनिया दे विच है बाबा जी का ख्याल एक महीना उत्थे सत्संग करन दा सी मोती राम ने कहा अच्छा नाम तो दे देंदा हाँ लेकिन फिर इस जगह नहीं ठहरांगा नाम देंदे ही ब्यास वापस चला जावांगा मोती राम ने हठ धर्मी की और कहा अच्छा बाबा महाराज जी मैं ब्यास आके सत्संग सुन लवांगा लेकिन इसनु नाम जरूर बख्श दो बाबा जी ने तांगा मंगवा लिया और बिस्तरा बन के उस विच रख लिया इधर नाम दिता उधर तांगे विच सवार होके स्टेशन ते पहुँचे और ब्यास नु चल पाए रस्ते विच एक फाकन लुधियाने दे स्टेशन ते मैनू मिले मैं अर्ज की हजूर मेरा पिंड महमा सिंह वाला नज़दीक ही है दर्शन देंदे जाओ फरमान लगे कि तुसी इस एतवार नूं नहीं आना और मैं इस वक्त भी नहीं उतरांगा क्योंकि मेरा कायदा से कि जब छुट्टी आना हर एतवार नूं सत्संग लई डेरे आ जाना बाबा जी आम तौर ते कहा करते सी कि घर दा काम काज नहीं करते डेरे ना सौंदे हो मैं ख्याल किया कि शायद इसे कारण यह हुक्म देता है जब बाबा जी महाराज डेरे पहुंचे तो इस कदर जोर का बुखार हो गया कि थले दा सा थले और उपर दा उपर बहुत सख्त तकलीफ हुई बीबी रुको और कुछ ससंगिया ने दवा खान लई अर्ज की आपने फरमाया अज 11-12 दिन असी कोई दवा नहीं खावांगे बीबी रोन लग गई आपने फरमाया बीबी अजे असी जाते नहीं तू फिक्र